मशहूर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें सनसनी फैल गई है। ये घटना कनाडा के वैंकूवर स्थित विक्टोरिया आइलैंड के उनके घर के बाहर हुई है। फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। हालांकि अभी तक फायरिंग करने वालों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। कनाडा में हुई इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एपी ढिल्लो के बंगले पर फायरिंग की गई। इसके अलावा कनाडा में एक अन्य स्थान पर भी फायरिंग की गई। पोस्ट में लिखा गया है कि 1 सितंबर की रात को कनाडा के दो स्थानों पर फायरिंग की गई, जिसमें विक्टोरिया आइलैंड और वुडब्रिज टोरंटो शामिल है। पोस्ट में ये भी दावा किया गया है कि विक्टोरिया आइलैंड का घर एपी ढिल्लो का है और ये फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा द्वारा की गई है।